दोस्तों ज्ञान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, जिनको लेकर मन में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जो इस प्रकार से हैं। गैस सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? गैस सिलेंडर का आकार गोल बेलनाकार क्यों होता है? खाली गैस सिलेंडर और भरी गैस सिलेंडर की वजन कितनी होती है? गैस सिलेंडर के ऊपर और नीचे गोल रिंग क्यों लगे होते हैं? गैस सिलेंडर के ऊपर वाले रिंग पर एक अल्फ़ाबेट के साथ नंबर क्यों लिखा होता है? आइए इस तरह के सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो के माध्यम से जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेंडर के लाल रंग के बारे में। वैज्ञानिकों के हिसाब से देखा जाए तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अन्य रंग की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। इस रंग को दूर से भी बहुत ही आसानी के साथ देखा जा सकता है। यही वजह है कि लाल रंग को खतरे के निशान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि खतरे से बचा जा सके। ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर में ज्वलनशील गैस होती है, इसके परिवहन में खतरा है, इसलिए गैस सिलेंडर को लाल रंग से रंग दिया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके, इस चीज़ से लापरवाही न बरते, इससे निरंतर सावधान रहे, जरा सी लापरवाही से खतरा हो सकता है। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लाल रंग चुना गया है ताकि वह दूर से ही नज़र आ जाए और होने वाले खतरों से बचा जा सके। बस अब अगली बारी है जानने की गैस सिलेंडर का आकार गोल बेलनाकार क्यों होता है। आपने अक्सर भंडारित करके रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी चीज़ का आकार गोल या बेलनाकार ही देखा होगा। अगर एलपीजी गैस सिलेंडर को चौकोर बना दिया जाए तो इसके अंदर की गैस चारों कोनों पर ज़्यादा दबाव डालना शुरू करेगा, जिससे गैस सिलेंडर के कोनों में दरार बन सकती है और वहीं से गैस लीक होने पर सिलेंडर फट भी सकती है। इसलिए सिलेंडर को गोल बेलनाकार बनाया जाता है ताकि सिलेंडर में गैस का दबाव सामान्य बना रहे। इस तरह के आकार का फायदा यह होता है, आप इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और इसका आकार बेलनाकार होने पर यह बहुत आकर्षक दिखता है। और अब आगे बात करेंगे खाली गैस सिलेंडर और भरी गैस सिलेंडर की वजन कितनी होती है। अभी जो आप स्क्रीन पर सिलेंडर देख रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो खाली होने पर इस सिलेंडर का वजन करीब 15.7 किलोग्राम होता है। इसमें 14.2 किलोग्राम गैस भरी होती है। इस तरह से इसका कुल वजन 29.9 किलोग्राम हो जाता है। लेकिन अलग अलग कंपनी के अलग अलग साइज के सिलेंडर के हिसाब से इसकी वजन अलग अलग भी हो सकती है। इस तरह की अधिक जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अब अगली बारी है जानने की गैस सिलेंडर के नीचे और ऊपर गोल रिंग क्यों लगे होते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर गोल होता है, इसको एक स्थान पर अस्थायी रूप से खड़े रहने के लिए नीचे की साइड पर रिंग लगा दी जाती है ताकि सिलेंडर रिंग के सहारे एक स्थान पर अस्थायी रूप से टिक सके। अगर ये सिलेंडर की यही रिंग निकाल दिया जाए तो यह सिलेंडर अस्थायी रूप से लंबे समय तक खड़ा नहीं रह पाएगा। ये बात हुई खड़े रहने की। आपने अगर ध्यान दिया होगा सिलेंडर के नीचे रिंग में छेद बनी होती है। ये छेद क्यों बनाया जाता है? इसका ये मतलब है सिलेंडर और सतह के बीच हवा का संचालन अच्छे से हो सके और सफाई के दौरान कुछ पानी सिलेंडर के तल में फंस जाता है तो आसानी से वाष्प बनकर निकल सके, जो सिलेंडर की जंग का कारण बनता है। और वहीं यह जंग सिलेंडर के वाली को लंबे समय तक कमजोर करता रहता है, इसलिए कंपनी द्वारा सामान्य तौर पर नीचे की छेद बना दिया जाता है। और वहीं ऊपर की साइड भी रिंग लगी होती है जो पकड़ने योग्य होती है। इस रिंग को लगाने के पीछे यही वजह है कि हम इसे आसानी के साथ पकड़ सकें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें, एक दूसरे के ऊपर आसानी से रख सकें। इसके साथ इसे लगाने से अन्य कई फायदे होते हैं। यह रिंग तीन खंभों से जुड़ी होती है जो पतले एवं चौड़े होते हैं। अगर आपने इन खंभों पर जरा सा ध्यान दिया होगा, इन खंभों पर गैस सिलेंडर संबंधी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होती है। अगर आप बाहर की तरफ से देख रहे हैं तो इनमें गैस सिलेंडर की सीरियल नंबर, खाली सिलेंडर की अधिकतम वजन और सिलेंडर फुल होने के बाद अधिकतम वजन, सिलेंडर की बैच नंबर, टेस्टिंग डेट, इस तरह की विभिन्न जानकारी सिलेंडर के इन खंभों पर लिखे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यानी कि अंदर की साइड आप देखते हैं तो यहाँ पर खाली सिलेंडर की अधिकतम वजन जो दो खंभों में लिखी होती है, तीसरे खंभे में सिलेंडर की टेस्टिंग डेट लिखी होती है जो कोड भाषा में लिखी जाती है, जिसका पहला कैरेक्टर महीने दर्शाता है और दूसरा कैरेक्टर टेस्टिंग साल को दर्शाता है। अभी हमने आपको एक और टेस्टिंग डेट दिखाया जो बाहर की तरफ लिखी गई है। इसका मतलब ये है यह सिलेंडर एक बार टेस्ट होकर इस तारीख पर आ चुकी है। अगर हम इस कोड भाषा को अपने हिसाब से लिखें तो यह इस तरीके से होगा, जैसे इस सिलेंडर में अंदर की तरफ B26 लिखा गया है, इसमें जो B है वो मई महीने को दर्शा रहा है
और 26 का मतलब 2026 है। अब यह सिलेंडर मई 2026 में टेस्टिंग के लिए जाएगी। अब आप सोच रहे हैं मैंने इसे कैसे जाना, इस टेस्टिंग तारीख को आप ही निकाल सकते हैं इस तरीके से। पहला करेक्टर चार प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें ए बी सी डी, यहाँ पर चारों करेक्टर में 3 महीने छिपे होते हैं। जैसे ए का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, और बी का मतलब अप्रैल मई जून, और सी का मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, और डी का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ पर इस सिलेंडर का पहला करेक्टर वी है, तो ये अप्रैल मई जून को दर्शा रहा है। यहाँ पर इस सिलेंडर का पहला करेक्टर वी है, तो यह अप्रैल मई जून को बता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 3 महीने में से मई कैसे आ गया, तो इसका ये फंडा है, प्रत्येक 10 साल के बाद सभी नए सिलेंडरों को बड़ी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। अगर सिलेंडर टेस्ट पास नहीं कर पाता तो इसे नष्ट कर दिया जाता है। अगर ये सिलेंडर टेस्ट पास कर लेता है तो इस पर नई डेट पड़ जाती है। दोस्तों, आपका इस विषय पर अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर प्रदान करें। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को पूरा देखने में दिया, इसके लिए आपको पूरे मन से धन्यवाद। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तब आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।